आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों द्वारा आज शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ एक तरह की टी शर्ट पहन रखी थी, जिसमें लक्ष्य 2023 और पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू की तस्वीर बनी नजर आई। युवाओं द्वारा शहर में निकाली गई इस रैली के अब कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि लक्ष्य 2023 का मतलब है कि हमें आगामी विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करनी है, साथ ही घर घर जाकर लोगों तक हमें राहुल गांधी का संदेश पहुंचाना है। इसके साथ ही कांग्रेस की नीतियों और भाजपा की कुरीतियों के बारे में भी लोगों को जानकारी देनी है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में हर हाल में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जीत सुनिश्चित करानी है। वहीं इस रैली के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी की भी झलकियां देखने को मिली हैं। साथ ही किसी एक व्यक्ति के लिए पार्टी की ओर से प्रचार किया जाना भी दिखाई दिया है। अब राजनीतिक गलियारों में इस रैली को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2023 रीवा विधानसभा, इसका क्या मतलब है, टी शर्ट से क्या उद्देश्य है? लक्ष्य जो 2023 रीवा विधानसभा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा लक्ष्य है रीवा विधानसभा जीतना। कांग्रेस पार्टी रीवा विधानसभा जीते, जो कि 2003 के बाद से यहाँ नहीं जीतती आई है। और दूसरा, ये टी शर्ट का मतलब यह है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की पद यात्रा एक टी शर्ट में, चाहे वो ठंड रही हो, चाहे बारिश रही हो, चाहे गर्मी रही हो, चाहे धूप रही हो, उसके बाद भी वह एक टी शर्ट पहन के 3500 किलोमीटर की यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी तरह हम सब NSUI और यूथ के साथी जन जन तक, रीवा के समस्त पंचायत, विधानसभा के अंतर्गत मंडलम, सेक्टर, पोलिंग बूथ से लेके बाडो तक राहुल गांधी जी का संदेश पहुंचाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और मंगू भैया जी के नेतृत्व में, जो कि आम आदमी के सिपाही रहते हुए पार्टी के लिए 20 से 25 वर्षों तक संघर्ष करते आए हैं, चाहे प्रत्याशी कोई भी रहा हो, कोई भी रहा हो, ईमानदारी से उस प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। और हम सब युवाओं की मांग है कि इस बार रीवा की है यही पुकार, मंगू अब की बात, रीवा से गुरमीत सिंह मंगू भैया को विधायकी का टिकट दिया जाए। इसको हम लोग प्रचार मान सकते हैं, लोग प्रचार मान सकते हैं कि आप लोग अभी से विधानसभा की तैयारी में? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि राहुल गांधी जी का संदेश, राहुल गांधी जिस तरह 3500 किलोमीटर की यात्रा करे हैं, अब वो यात्रा समाप्त हो चुकी है, तो हम सब युवाओं का कर्तव्य है कि उस यात्रा को, राहुल गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाएं। मंगू भैया के लिए प्रचार? जी मंगू भैया के लिए भी हमने बताया कि जन जन की है यही पुकार, मंगू अब की बात। आज आप लोग मुंबई के शहर में यहाँ गलियों में घूम रहे हैं, ये लक्ष्य 2023 विधानसभा, और इसमें आपके मंगू भाई की फोटो लगी है, क्या लक्ष्य क्या है और क्या प्रचार क्या है? देखिए, आदरणीय पूर्व शहर अध्यक्ष मंगू भैया द्वारा एक रीवा 2023 रीवा विधानसभा का लक्ष्य दिया है, और उस लक्ष्य को लेकर हम लोग पोलिंग बूथ स्तर पर जा रहे हैं और हर वार्ड के अंदर ये जाके और रीवा में कांग्रेस विधायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। पिछले लंबे समय से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक नहीं हुआ, आदरणीय राजन शुक्ला जी जीतते आए हैं, जो लगातार युवाओं को तिरस्कार कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, और उनके पास फ्लाईओवर बनाने के अलावा युवाओं के लिए कोई भी न शिक्षण संस्थान से संबंधित, न रोजगार संबंधित उनके कोई प्रयास नहीं किया है, और हर युवा यहाँ से जो आशा भरी नज़रों से देख रहा था वो निराशा में तब्दील हो गई है। और इसीलिए रीवा विधानसभा के हर एक पोलिंग बूथ में जाके हम कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे, जो लंबे समय से रीवा विधानसभा सीट में नहीं जीत पाया। ये सख्त जिताशन किसके लिए, कांग्रेस के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए? ये कांग्रेस के लिए नहीं है, ये प्रयास है कि जो रीवा सीट लंबे समय से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, उसको इस बार लक्ष्य हम लोगों ने बनाया है कि कांग्रेस सीट जो है जिताएंगे, कांग्रेस के विधायक बैठाएंगे और राजन शुक्ला जी को घर बैठाएंगे। जबकि आप लोगों ने टी शर्ट भी पहन रखी है और इसमें आपके मंगू भाई की फोटो भी लगी हुई है, तो
तो क्या है कि आपको मतलब क्या कैसे कैंडिडेट होना चाहिए इनके मतलब इनके पक्ष में आप लोग प्रचार कर ऐसे कैंडिडेट संघर्ष करने वाला होना चाहिए जो लंबे समय से संघर्ष किया हो पार्टी के लिए लगातार किया हो कोई भी चुनाव लड़ा हो जिन्होंने संघर्ष करके आया हो उसी को पार्टी प्रत्याशी बनाना चाहिए और उस प्रत्याशी के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे और रीवा विधायक राजन शुक्ला जी को घर बैठाने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी की भी है कमलनाथ जी की भी मंगू भैया को विधायक बनाने का तो बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं सब लोगों ने का भी प्रयास है लेकिन पार्टी जो गाइडलाइन देगी उस गाइडलाइन के तहत हम लोग विधायक बनाना चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनूप सिंह चंदेल है।